इंडियन सिनेमा में आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे नाम होंगे लेकिन मैं अपनी चॉइस बताऊं। राघवन ये कतई जीनियस हैं, हैं सबूत काफी दिए इन्होंने जिसकी एक्टिंग एक टाइम पे पूरे देश का नेशनल इशू बन गई थी बदलापुर उठा लो ऐसा डार्क रिवेंज सिनेमा जिसको देखते टाइम डर से पूरा शरीर कांपने लग जाए और सबसे बेस्ट वाला जो शायद सबसे कम लोगों ने देखा जॉनी गद्दार एंडिंग ऐसी जिसके सामने हॉलीवुड भी शर्मा जाए तो इन शॉर्ट बात ऐसी है की श्री राम राघवन द जीनियस के खजान से आज एक और गिफ्ट बाहर निकला है जिसका नाम ही मैरी क्रिसमस है बचपन में छुपन छुपाई खेला है आपने कितना मजा आता है ना दूसरों को परेशान करने में जब वो आपको ढूंढने आए लेकिन जब पट्टी आपकी आंखों पे बांधी जाए और फिर अंधेरे कमरे में छोड़ के बाकी लोग आपको आवाज लगाना शुरू करें ये फीलिंग रिलेट कर पा रहे हो बस यही हुआ आज थिएटर में अरे मेरे नहीं फिल्म की कहानी में जहाँ दो लोग आपस में टकराते हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान जैसे आँख पे काली पट्टी अब चूंकि क्रिसमस वाली रात है तो पार्टी करना बनता है और जश्न मनाने के लिए दोनों जाते हैं घर एक्चुअली तीनों एक छोटी बच्ची भी है जो बोल नहीं पाती लेकिन देखती सब कुछ है और याद भी रखती है अब सर और मैडम में थोड़ी गहरी दोस्ती होती है तो बात फर्स्ट डेट तक पहुंच जाती है जो किसी होटल या बार में नहीं शहर के सुनसान कब्रिस्तान में होगी लेकिन एक्चुअली कहानी का असली ट्विस्ट वहाँ से निकलने के बाद बाहर आता है क्यूँकी घर वापस जाते ही ये लोग तीन से चार हो जाते हैं चौथा कौन एक लाश जिसको लॉजिकली होना तो कब्रिस्तान में चाहिए था तो फिर ये घर पे क्या कर रही है सीआईडी वाले क्राइम सीन की फुल सेटिंग है बॉस डेड बॉडी जिसके शरीर से आर पार हुई है बंदूक से निकली गोली छोटा सा स्पॉइलर डू करने वाला इन चारों लोगों के बीच में ही मौजूद है वो छोटी बच्ची को इग्नोर मत करना छोटा बच्चा समझ के सुना है ना गाना देखो बॉस मैरी क्रिसमस एक मजेदार फिल्म है और सबसे बढ़िया बात ये की ऐसा कुछ आपने पहले देखा या सुना नहीं होगा इसीलिए आपको आसानी से समझ नहीं आएगा की अगले सीन में होने क्या वाला है टोटली न्यू स्टोरी है एकदम अनप्रडिक्टेबल है गैस नहीं कर सकते कैटरीना कैफ और विजय के के तो की कहानी डाल के बोलना कोई सीखे इनसे श्री राम रागवन की मूवीज का एक्सपेक्टर यही होता है कि उसमें हीरोइन के अलावा पब्लिक का भी एक कैरेक्टर बन जाता है जो कि फिल्म के अंदर है पूरे दो घंटे आप खुद को दूर नहीं रख सकते इस कहानी से हर सेकंड दिमाग चलता रहेगा लगातार किस पे शक करने ना है किसको बेचारा समझना है धोखा फिल्म का असली कॉन्सेप्ट है जो आंखों के सामने है वो शायद सच ना हो और जो सच है वो कभी सामने आएगा नहीं आप लड़ाते रहो दिमाग और कमाल की बात जानते हो क्या फिल्म की राइटिंग बोलूं या फिर कहानी बोलू वो इतनी ताकतवर है ना की कैटरीना कैफ के जैसी एक्ट्रेस जिनकी एक्टिंग स्किल्स पे लोग शक करते हैं वो भी आपको इस फिल्म में ऐसा लगेगा की ये बंदी इंडिया की टॉप एक्ट्रेस है फिल्म इतना ज्यादा रियल और नेचुरल है ना जैसे सब कुछ आंख के सामने चल रहा है और कमाल की बात जानते हो क्या पूरी फिल्म सिर्फ मर्डर के बारे में है लेकिन एक सीन भी ऐसा नहीं है जहाँ खून खराबा वायलेंस दिखाया जाए सोचो कितना खतरनाक तरीके से कहानी को लिखा है कि 50 परसेंट फिल्म, फिल्म देखने वाले के दिमाग में चल रही है बिना बिना बताए दिखाए सब कुछ इमेजिन कर लिया साफ 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 इंटेलिजेंट फिल्म है दिमाग घर पे छोड़ के नहीं जा सकते हो मजा आता है अगर पहेली सुलझाने में आपके अंदर भी जासूस है तो जाओ थिएटर वरना अच्छे आर्टिस्ट को काम करते देखना अच्छा लगता है तो विजय सेतुपति के लिए भी जा सकते हो जो हर फिल्म को फिल्म जैसा बिल्कुल फील नहीं होने देते कैटरीना के साथ विजय का कोलेब्रेशन इतना डेंजरस हो सकता है शायद सोचा नहीं होगा आपने सपनों में भी क्रेडिट पूरा का पूरा डायरेक्टर पावर मेरी क्रिसमस को मेरी तरफ से पूरे चार स्टार्स पहला जबरदस्त कहानी दूसरा अनप्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले तीसरा टॉप ऐसी और चौथा जबरदस्त क्लाइमैक्स जितना दिमाग लगाओगे उतना मजा आएगा नेगेटिव में बस एक छोटी सी शिकायत फिल्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहिए था छोटी डिटेल्स जैसे राधिका आप्टे का कैरेक्टर अभी भी समझ नहीं आया बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो और बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर की तलाश कर रहे हो तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलू आपसे अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय